जयपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख प्रतिवर्ष देने की घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने घोषणा किया है। उन्होंने आगे कहा कि नारी न्याय गारंटी योजना के तहत प्रतिवर्ष महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कांग्रेस की इस घोषणा से देश में उत्साह का माहौल है, महिलाएं भी खुश हैं। गारंटी के साथ 1 साल में न्यारी न्याय के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष परिवार की एक महिला को देने की घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने 1 लाख की गारंटी की बात कही है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित इस देश से और दुनिया में कोई है तो हमारी घर की महिला बहने हैं। घर का चूल्हा चौका, घर की गृहस्थी को चलाने का काम उनका है। न्यूनतम आय एक परिवार की 7-8 हजार रुपया है और खर्चा 15-20 हजार है, और उस 15-20 हजार में कैसे वो अपने फिक्स डिपॉजिट को तुलाकर, ब्याज में पैसा लेकर, उधारी पैसा लेकर अपनी इनकम को तोड़कर वो घर चलाती है, वो उसको मालूम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने महिला बहन के लिए, एक परिवार के लिए इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी गारंटी दी है। उस गारंटी को लेकर आज कांग्रेस की, हमारी महिला बहने, और आज पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, क्योंकि बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी मतलब राशन कार्ड। इंदिरा गांधी जी ने राशन कार्ड लाया था और आज तक राशन कार्ड है, राशन कार्ड बंद नहीं हुआ। हमने बड़ी बड़ी योजना लाई, वो हमारी सरकार नहीं थी फिर भी है, हमारी सरकार रहेगी फिर भी है। तो ये उत्साह का आज आयोजन कांग्रेस पार्टी में महिला कांग्रेस की बहनों ने किया है, हम सब उसमें शामिल हैं।